लड़के की कहाँ गया था? वैष्णो देवी गया रहा है। अच्छा, अकेले? हाँ ऐसे अकेले गया रहा है, और घर में सारा परिवार गए रहे हैं। अच्छा, सारा पूरा परिवार गया था। हाँ तो बाकी क्या वही रहता है क्या वो? नहीं नहीं यहीं से गया रहा हूँ अकेले। अच्छा, परिवार पहले पहुँच गया था? नहीं साथ में सब गए हैं। उनके सब देखे ना रही, तो लड़का हमारे देखे रहा तो ले गए साथ में, लेके गए। तो कैसे आपको मालूम पड़ा कि वहाँ पे कुछ हुआ? कैसे मिली आपको सूचना? कैसे बोला रहेगा बताए, फोन पे आया था? फोन पर आ रहा। कैसे सूचना मिली आपको? मुझे कल 11 बजे ज्योतिष श्रीवास्तव जी के मोबाइल पे लिस्ट आई, तो उसमें मैंने जब दिनेश, उन्होंने दिनेश का नाम देखा, तब हम लोगों को इस बात की जानकारी हुई। प्रशासन के कुछ लोगों ने संपर्क किया आपसे? हाँ, मीडिया उड़िया वाले आए थे सब लोग शाम को। प्रशासन में उसका एडीएम का फोन आया, एचडीएम का फोन आया था। अच्छा, तो उन्होंने बताया आईसीयू में होने की जानकारी दी है। आईसीयू में। अच्छा, तो यहाँ से कोई आप लोग गए अभी जा रहे हैं? नहीं, अभी गाँव से हमारे नाते रिश्तेदार सब गए हैं जी, अपने अपने सब गाड़ी से गए हैं सब नाते रिश्तेदार। ये 4 तारीख को यहाँ से मंगर के गए हैं। 4 तारीख को गए जी। अच्छा, तो कब वापसी कब थी? 10:11 की वापसी थी उनकी। आपने वहाँ पे कुछ लोगों से बात करी होगी, कैसी हालत है अभी? आईसीयू वो दिनेश से तो बात हुई है रात में, ठीक है आईसीयू में है, ठीक है दिनेश से। और फ्रैक्चर हो गया, पैर में चोट आई है और सर में चोट आई है। और कुछ लोगों को चोट आई है? हाँ, बहन बहनोई के, बच्चों के, सबके। कुल कितने लोग वहाँ? 8 लोग। 8 लोग? 8 लोग भर्ती है। भर्ती है कहाँ, किस जगह भर्ती है? नारायणा हॉस्पिटल में। ये कहाँ है? कटरा। 8 लोग है टोटल जी।